तो कहने का मतलब जो है 41 नंबर सवाल है और इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है माइनस बी बाई ए होता है और इसको हम ए मानते हैं बी और इसको सी मानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए भी है माइनस ए भी तो 3 हो जाएगा, ए की जगह पर 1 है, कुछ भी नहीं हो तो 1 होता है तो 3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी आप निकाल सकते हो। अब कह रहा है सुनेंगे 43 नंबर सवाल है। 43 नंबर सवाल का द्विघात बहुपद के संयोजक होंगे। चलिए भाई, द्विघात बहुपद दे रखा है ऐसे, इतना बड़ा ऐसे सवाल। अगर देखिए भाई, मेरा सलाह माने तो एग्जाम में अगर इतना टेढ़ा सवाल हो, अगर टेढ़ा सवाल हो तो उसको सोल्व मत करें, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, 100 क्वेश्चंस में मात्र 50 ही करने होते हैं। तो भाई टेढ़ा क्यों, इतना बराबर 0 मान लीजिएगा, इतना दिया हुआ है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6 × 12, अब बटा कितना 6 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे 6x² प्लस एक्स माइनस 12 अब बराबर 0, 6 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर इतना टेढ़ा सवाल हो तो सोल्व करने की जरूरत ना है। चलो अब एक बार इसको जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 को 36 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 12 को 6 से तो 72 हो जाएगा। तो इस तरह से करोगे क्या, इधर एक्स स्क्वायर है, इसका 9x माइनस प्लस कर लो इसको और माइनस 8x कर लो और इसको 12, 9 × 72 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, 0 है इधर। अब इसको तोड़ोगे तो जो आपके आंसर आनी है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा सवाल को सॉल्व मत करिए, क्योंकि हमें छोटा शॉर्ट सवाल मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे ही तोड़ लोगे, बना लोगे अपना कॉमन लेके देख लेंगे। चलिए यहाँ देखेंगे 44 नंबर सवाल को ध्यान से देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका मौसा है, तो पहली संख्या तो उसका लौसा क्या होगा। दो संख्या का गुणनफल इतना है उसका मौसा है तो लौसा क्या होगा, पहले बता दीजिए। तो पहले यहाँ देखिए, दो संख्या का गुणनफल है और एक संख्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 61 है, दो संख्या का गुणनफल कितना है 61 66 और मौसा आपको पता है कितना 19 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लौसा चाहिए ना, आपको लौसा चाहिए ना, यानी कि एलसीएम चाहिए, इस संख्या से इसमें भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, तो 61 66 में यहाँ से देखिए 19 से भाग दे दीजिए। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा इसका आंसर। आपको भाग अगर देने में कठिनाई हो, ये देखिए एक पहलवानी बेली है, इसमें आप ले आइए इसको और ऐसे दीजिए। ठीक है, चलिए एक मरतब यहाँ लग जाएगा 19 और यहाँ से 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा 2 और ये कट जाएगा। ठीक है, ऊपर से 26 उतरेगा, 6 उतरेगा, तो फिर एक मरतब आप लगा सकते हो और यहाँ देखेंगे फिर आप पहलवानी विधि से, तो 9 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7 है ना, और इसी कट जाएगा। और ये देखिए 19 × 76 होता है, इसको आप काट लीजिएगा 76, हाँ कट जाएगा 116, यानी कि आपका लॉसा जो आया, लॉसा वो कितना आ गया 116, 114 है। इस तरह से आप कर सकते हो, आसानी से इसको हल कर सकते हो। मैंने यही बताया आपको कि जब इतना आसान आसान सवाल हो, इतना बड़ा लॉन्ग सवाल हल करने की क्या जरूरत है। ठीक है, यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक गुणनखंड दिया x x+1, तो बहुपद का सुनिए क्या होगा। तो एक्स प्लस वन जो दे रखा है ना, इतना ही बराबर आप 0 मान लीजिए और x बराबर हो जाएगा -1। ये पहला नंबर है भाई, ये है आपका 45 नंबर। ठीक है, तो ये भी इस तरह से बना सकते हो। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ
एग्जाम में इतना आसान आसान सवाल देगा तो हमें लॉन्ग सवाल को हल करने की क्या जरूरत है, ठीक है। और ये आसानी से सोल्व हो जाते हैं। यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि बताना है कि आलेख, यहाँ पे दो चीजें दे रखा हुआ है। कह रहा है कि आलेख कैसा होगा, दो सरल रेखा है जो आपको आलेख बताना है, ठीक है। क्या देखेंगे, इधर से दे रखा है 6x माइनस कितना है 2y, 2y प्लस 9 बराबर कितना 0, और यहाँ पे 3x y प्लस 12 बराबर 0। यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ देखो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2। जब सवाल ही इतनी हल्का हो तो फिर हमें बड़ा सवाल हल करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है। यहाँ देख, माइनस वन टू बटा वन माइनस वन बराबर, यहाँ देखेंगे 9 और बटा कितना हो जाएगा 12। यह देखेंगे 6 × 12 माइनस माइनस खत्म, 3 × 9 और 4 × 12। यहाँ देखेंगे सवाल में थोड़ा सा लॉजिक ये बात है कि 2/1 बराबर 2/1 और यहाँ पे 3/4 आया, तो ये हो गया, ये समानांतर हो गया, कभी हो गया समानांतर हो गया, और कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब समानांतर हो जाता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, समानांतर दे रखा है, हो जाएगा ना। चलिए हाँ भाई, ये 46 नंबर है। हाँ, नंबर याद रखना जरूरी होता है। चलो भाई, यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या दे रखा है, ये बराबर दे रखा है 2^3 और गुने 3 और गुने 5, ठीक है। और फिर पूछ रहा है, एक बी है और इसमें से 2^4 है और यहाँ पे 5 है और गुने 7 है, तो आपका इसको लॉसा बताना है आपको, ठीक है। क्या पूछ रहा है, लॉसा बताना है। तो देखो भाई, इसमें इसको हम 3 कर लेते हैं, आई वो दो इसके पीछे डाल देते हैं और इसको सेम पहले कर देते हैं, तो जो सेम है वहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है, केवल 2, समझ आया, क्योंकि 2 से वो कट जाएगा, समझ आया, कट जाएगा। अब आपको यहाँ पे 3 मिल गया, आपको 5 मिल गया, और यहाँ पे 2^5 है तो 1^5 लिखेंगे, ठीक है। हाँ, 1^5 लिखेंगे, अब यहाँ पे 3 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया, फिर आपको 2 मिल गया। अब आप इसका गुना कर लीजिए, 2, 3 × 6, 6×5 = 30, 7 × 21, 21 × 42 = 420, ठीक है, ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे ऑप्शन में था है ही नहीं। हाँ भाई देखो, यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप क्या करोगे, यहाँ ना ये 2 के हटाओ, थोड़ी सी एक चीज पकड़ो, मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो है ना जी 2^3 यहाँ पे 3 कर लो, ये रहेंगे आपको, और 2^3 का यह 8 होता है, और मेरे कहने का मतलब जो है ना यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों में से 5 एगो आएगा, और यहाँ पे 3 तो आ चुका है, 7 भी आएगा, और साथ साथ 2 भी आएगा, ठीक है। तो 8 × 3 = 24 और 24×5 = 120 और 1274 और 84 × 2 = 4, 8 × 2 = 16, 84 × 2 इतना हो जाएगा 8 × 2 = 16 और 84 में 2 से मार लीजिएगा गुण है, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, अब हाथों में 0 को बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये जो हमें मसल जो होता है ना, मसल से गुना करना पड़ता है, और मैंने उसको भूल गया था। ठीक है, गुना करना ये कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए, अब जो कह रहा है यह है लाइक, देखिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। द्विघात बहुपद का कह रहा है, यदि दो शून्यक दे रखे तो द्विघात बहुपद क्या होगा? ठीक है, हाँ जी, आ जाइए, है ना, कानून आवाज नहीं आएगा। चलो जी, और शून्यक दे रखा है, क्या नंबर बाबू? 47, 48 नंबर। शून्यक दे रखा है, शून्यक दे रखा है, शून्यक पांच कोमा माइनस तीन, है ना, द्विघात बहुपद क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में जीरो रखते हैं खुशी के लिए, तो हमें तो खुशी नहीं चाहिए ना। ठीक है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, और ये देखो यहाँ जो है ना जी अल्फा है और ये है बीटा, तो पांच माइनस तीन इंटू क्या है एक्स प्लस पांच इंटू माइनस तीन बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर, अब पांच में से तीन गया तो क्या बचेगा? दो एक्स, अब माइनस तीन बचे 15। देख लीजिए क्या है, वही आंसर हो जाएगा, है क्या? हाँ चलो जी, अब देखो यही मैं बता रहा हूँ कि सवाल जब इतना आसान आसान एग्जाम में है तो हार्ड हल करने का जरूरत है। माइनस दस खोमा माइनस छ खोमा दो और कोमा दो, ठीक है, तो गौर सार्वंतर, कौन सी सार्वंतर बताना है आपको, सार्वंतर यानी कि आपको डिफरेंस निकालना है डी का। चलो भाई, तो पहला संख्या में से दूसरा संख्या में से पहला संख्या को घटाते हैं डी के लिए, क्या कर लेते हैं, तो माइनस छ को माइनस माइनस दस में से घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस दस घटाएंगे तो डी बराबर माइनस छ माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से प्लस चार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस चार इज राइट। ओके, ऐसे कर सकते हो तुम भी चाहे हम भी कोई भी, ठीक है, ऐसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में जब इतना आसान आसान सवाल है तो भाई बड़ा बड़ा सवाल हल करने की क्या जरूरत है। ठीक है, यहाँ देखिए 50 नंबर सवाल, इसको भी आप छोड़ दीजिए तो खुशी मिलेगी। हाँ भाई, खुशी तो चाहिए ना जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखे तो 50 का डी दिया है, हाँ सी है, सी कैसे हो जाएगा हो? ठीक है, सी को हल करके द्विघात समीकरण नहीं है तो ठीक है, तब नहीं है, कट जाएगा उसका, सही बात है, द्विघात समीकरण हम खोज रहे थे लेकिन ये नहीं है, सही बात है, सही बात है, कैसे नहीं बता रहे हैं आपको, एक बता ही देते हैं आज कई दिन से तरह का सवाल आ रहा लेकिन हम बता नहीं रहे हैं। यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ देखेंगे, तीन का स्क्वायर ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर नौ नौ आप प्लस तीन छ रूप दो एक्स
देखिए जब खत्म हो गया तो कहाँ से बचेगा द्विघात में, देखो इसमें कोई स्क्वायर नहीं बच रहा है, तो स्क्वायर नहीं बचेगा तो द्विघात नहीं है, नहीं है करिए नहीं है। हाँ देखेंगे, यहाँ सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, 51 नंबर, कितना नंबर 51 नंबर, कह रहा है ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया है, तो अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कोई बात नहीं माइनस बी बाई ए होता ही है और उसमें दे ही रहा है तो हमारा आंसर यही ना हो जाए, चलो सही है ठीक है, हमें बस सूत्रवा लिख देना था ठीक है, केवल सूत्र लिख देना था, मैं यही बोल रहा हूँ कि इतना आसान आसान सवाल है तो भाई इतना भारी भारी हल करने की क्या जरूरत है ठीक है। यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे यदि समीकरण इतना 3x² - 10x + 3 है, एक मूल इतना है तो दूसरा मूल क्या होगा, ठीक है भाई, तो एक मूल तो दे रखा है, अब फिर आपको ये चीज करनी है, इस सवाल में फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, तो क्या जरूरत है गुणनखंड करने का, इतना आसान आसान सवाल है तो भारी हल करने की क्या जरूरत है, आपको साधा थोड़ा ना लगा, हटो। चलो जी, अब यहां देखेंगे 53 नंबर सवाल, कई नंबर 53 नंबर सवाल, यहां देखेंगे 9x² + 6x + 4 है, तो इसके मूल वास्तविक क्यों समान हो तो के का मान, बहुत ही अच्छा बात कह दिया इसने, 9x² + 6kx + 4 = 0, आपको मूल समान है और तो मूल समान है तो डी बराबर क्या हो गया भाई, 0 हो गया। चलो भाई यहाँ सोल्व करते हैं, बी बराबर होता है -4ac, तो डी बराबर ऑलरेडी 0 हो चुका है यहाँ पे, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑलरेडी तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, क्लियर, बी स्क्वायर बराबर 4ac ऐसे हो जाएंगे। तो चलो बाबू अब क्या करना है, बी का मान यहाँ पे 6k है, 6k का स्क्वायर कर लेना, और यहाँ पे 4 है और ए का मान यहाँ पे 9 है तो 9 रखो, सी का मान 4 है तो 4 रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देखेंगे 36 है और के स्क्वायर है और बराबर यहाँ देखो 9 × 4 है और गुने 4 है, तो 9 × 4 = 36 और 36 खत्म हो गया। अब के स्क्वायर बराबर बच गया कितना 4, तो के हटाएंगे तो रूट अंडर लग जाएगा 4, तो के बराबर आ गया कितना +-2, ठीक है देख लीजिए आंसर यही होगा +-2, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो यही मैं बता रहा हूँ कि सवाल जब हम आसानी से हल करिए रहे तो क्या जरूरत है बाहर एक हल करने का। 54 नंबर सवाल, ये भी सुनिए, बड़ी मस्त सवाल है, देखने में बड़का है लेकिन सवाल को हल करना बड़ी आसान है। यहाँ देखेंगे आप +1 है ये है तो गुणनफल पूछा था, अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, आई होता है सी बाई ए, और सी हमारे है ए यहाँ है ठीक है, तो सी का मान 1 हो गया और ए का मान 4 हो गया, तो हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। जब इतना आसान सवाल है तो भारी हल करने की जरूरत है नहीं है। चलिए अब कह रहा है, हाँ 57 नंबर सवाल है, एक तो 55 नंबर सवाल कहता कि इतना दिले वाली हम x + 2 + 3x + 4x + 1 सार्वंतर निकाल ले, वो एक प्रथम पद दूसरा पद तृतीय पद ठीक बताओ, डी बराबर हो जाएगा कितना 3x - ax + 2, तो डी बराबर हो जाएगा 3x - 2, तो 2x - 2 यही इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। सार्वंतर x के बराबर 0 मान लो, तब देखो ना ये क्या कहता है,
टू एक्स बराबर दो तक देख कर एक्स के मान निकले एक और क्या दिया है आंसर कितना दे रखा है तीन दिया सॉरी फॉर यू जो मैंने सवाल हल किया था उसका तरीका थोड़ा सा अलग हो गए थे बढ़िया देखिए कोई बात नहीं सवाल हल ही नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़ा सवाल था मैंने सोचा छोटा होगा आंसर आ जाएगा बट मैं इसको सही बता देता हूँ आपको और यहाँ देखेंगे थ्री एक्स है और यहाँ पे फोर एक्स प्लस वन है इसको ए वन मान लीजिए इसको ए टू मान लीजिए और इसको ए थ्री मान लीजिए ए का मान हो गया एक्स प्लस टू और डी का मान आ गया जिसे मैंने अभी पहले पता किया था तो ऐसे एक्स प्लस टू इस तरह से हो जाएगा कितना टू एक्स माइनस टू ये आपका डी आ गया ए इसमें पता हमें पहले से दे रखा है फोर एक्स आप प्लस वन और एन भी हमें पता है वन टू थ्री वो थ्री है ठीक है ऐसा सवाल सोल्व करना ही नहीं चाहिए था मुझे क्योंकि बड़ा सवाल जो हो उसे हमें क्या जरूरत है सोल्व करने की क्योंकि एग्जाम में हमें तो 50 सवाल देते हैं तो एन बराबर हो जाते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है तो फोर एन फोर एक्स प्लस वन और यहाँ पे ए का मान यहाँ पे ए प्लस टू डी टू है ठीक है और प्लस में एन का मान ऑलरेडी यहाँ तीन पता है हमें यहाँ से वन और डी का मान यहाँ भी हमें पता है टू एक्स माइनस टू तो फोर एक्स प्लस वन और यहाँ पे ए देखेंगे ये जो है हमारा ये जो इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा सॉरी एक से देखेंगे यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा एक्स और माइनस दो बराबर यहाँ से दो और यहाँ पे कितना टू एक्स माइनस टू तो सुनिएगा यहाँ से ये हो जाएगा थ्री एक्स और यहाँ देखेंगे इसमें से घट के माइनस वन हो जाएगा और बराबर इधर हो जाएगा दो दूना चार एक्स और माइनस क्या हो जाएगा चार अब क्लियर हुआ कि ये जाएगा उधर और ये आएगा इधर तो इधर देखिएगा प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा चार प्लस हो जाएगा चार और माइनस वन तो पहले से है ही और ये प्लस थ्री एक्स है और ये प्लस दे जाएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स तो यहाँ देखिए ये कितना आ गया हमारा तीन और यहाँ से घट के आया एक्स एक्स का मान तीन जो आपका ऑप्शन था ओके तो ऐसे करना था इतना बड़ा सवाल सोल्व करना ही नहीं था हमें तो शॉर्ट लेकर चलनी है पूरी की पूरी ठीक है जैसे कि यहाँ देखा है सवाल यहाँ जीरो है और यहाँ उसके बाद माइनस चार है और उसके बाद माइनस आठ है और उसके बाद माइनस बारह डॉलर डॉलर तब सिर्फ डी पूछा जा रहा है डी क्या करना दिक्कत नहीं है इसमें माइनस चार ऑलरेडी दे रखा है पहले से और इधर से जीरो घटाएंगे तो डी बराबर हो जाएगा हमारा माइनस चार सर्वंतर यहाँ पे सवाल नंबर कितना है ये छप्पन तो मैं बता रहा हूँ ना कि जब हम एग्जाम में इतना आसान आसान सवाल हो तो इतना बड़ा सॉल्व करने की क्या जरूरत है इसलिए मैं इसी को टक से मारूंगा ठीक है चलिए ये आपके वहां पे देखेंगे अब इस सवाल जो आ गया अब देखिए बाबू यहाँ पे प्रथम पद 13 है सर्वांतर 4 है इन 10 पद प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा अब सुन लीजिए यहाँ पे समझ में आ रहा ना बहुत सुंदर बात है कवि का भाव है हाँ 57 नंबर सवाल हाँ जी ये है 14 9 4 माइनस एक माइनस छ का बराहवा पद बराहवा पद पद ठीक तो देखा बुआ ए बराबर हो गया 14 और डी बराबर हो गया 9 माइनस 14 ऐसे निकाला जाता है सर्वांतर तो क्या हो जाएगा 9 5 माइनस 5 ए बराबर ऑलरेडी 12 दे रखा है एन हमें नहीं पता है एन प्लस हो जाता है एन माइनस वन इंटू डी एन का मान हमें नहीं पता है छोड़ देंगे इसको यहाँ पे ए का मान 14 है लिखेंगे एन का मान 12 माइनस वन करेंगे डी का मान माइनस 5 है
यहाँ पे 54 11 55 माइनस 55 ठीक है, यहाँ से घटेगा तो माइनस 1 और यहाँ से 4 माइनस 41 आंसर है, आंसर है तो थोड़ा बोल सकते हैं जी। हाँ 58 अब कह रहा है प्रथम पद 13 दिया, ए बराबर दे रखा है 13 और सार्वंतर मतलब डी बराबर दिया है 4 माइनस 4, एन बराबर दे रखा है 10 तो योगफल पूछ रहा है, योगफल तो एस एन पूछ रहा है, एस एन तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ठीक है, तो 10 का मान हो जाएगा यहाँ पे, एन का मान 10 और यहाँ 2 10 13 है यहाँ पे सॉरी 13 है, तो यहाँ 10 माइनस 1 और माइनस कितना 4 बंद कर दीजिए, 10 गुना 5 गुना 10 और ये 26 हो गया भाई, और मेरे प्यारे बच्चे ये देखेंगे ये 9 हो जाएगा और 9 चौका 36 हो जाएगा, 36 में से 26 गया तो बचेगा कितना माइनस 10, तो 10 माइनस 10 में 5 से गुना तो 10 बचे 50 माइनस 50 आंसर हो जाएगा, चेक करिए है उतार लीजिए। हाँ चलिए देखिएगा यहाँ 59 नंबर सवाल है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन वाला सवाल होता है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं, वजह देखिए एक जो दूरी है या एक दूरी जो है दे रखा है इसमें ठीक है, एक जो पॉइंट दे रखा है किसी का मतलब वो दे रखा है यहाँ पे दे रखा है ठीक है, और उसकी जो दूरी आएंगे जो आंसर आएंगे वो आपको ऑलरेडी दे रखा है, आपको 5 लाना होता है तो कैसे लाएंगे, तो कोई इसमें ऑप्शन से इसको ट्राई करिएगा ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक चीज ऑप्शन से उठा कर ट्राई करिएगा, ऑप्शन से जो भी ट्राई करेगा 5 आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, जब तक 5 नहीं है 4 ऑप्शन होता है, आप लकी होंगे तो फर्स्ट ऑप्शन उठ जाएगा आपसे ठीक है, ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है। यहाँ देखेंगे तो भाई यहाँ मान लेते हैं कि बी को उठाता हूँ और यहाँ पे एक चीज़ जो है यहाँ देखेंगे 4 2 दे रखा है और यहाँ पे 0 और 1 को उठा लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा ठीक है, अगर एक बार इसको पहले आपको हल करके बता देता हूँ तो फिर अब इसका दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, यहाँ देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू होता है एक्स माइनस वन होता है का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है, हो गया तो इस तरह से कर लीजिए, मैं पहले ऑप्शन से मैंने दिखा दिया आपको कि ऑप्शन से भी हम ट्राई कर सकते, आपको इसके दूसरा तरीका भी आपको दिखा रहा हूँ, दिखाएंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत ना है, 0 माइनस 4 मान लीजिए कि आपका दिमाग सेम टाइम ऑप्शन पर नहीं गया तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको रूल्स, देखेंगे वाई टू का मान कितना है, ठीक है यहाँ देखेंगे वाई टू का मान माइनस वन है और यहाँ पे वाई वन का मान 2 है तो ये भी हो जाएगा ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर करिए और यहाँ पे 4 चौके यहाँ पे एक बार कर लीजिए माइनस 3 चार चौके 16 और 3 के लिए 9 तो 25 और क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 5 आता है तो आ गया, यानी कि आपका ये हो गया, तो इस तरह से आप इसको ऐसा ठीक कर सकते हैं, बट अगर ऐसे सिचुएशन में आप जब नहीं जान पाते हो तो क्या करो, तो देखोगे दूसरा कंडीशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको वो भी सटीक है बहुत ही अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ देखेंगे 5 दूरी आपको ऑलरेडी दे रखा है 5, तो 5 दूरी दे रखा है तो आपको रूट अंडर के लेकर चलना है, आपको मान लीजिए कि ये पॉइंट तो पता है ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं इसको कैसे करोगे या बता रहा हूँ आपको, तो देखो यहाँ पे करोगे क्या कि हाँ देखो एक चीज़ तो आपको पता है कि वाई अक्ष से कहा है, तो एक तो जरूरी है कि यहाँ पे एक्स 0 होगा आपको भी पता है, तो 4 हम यहाँ पे मान लीजिए 0 करेंगे इसको घटा लेंगे 0 आप प्लस, एक चीज आपको पता है कि वाई जो आपको पता है
आपको वो पता है, क्योंकि वो आपको इसलिए पता बता रहे हैं क्योंकि आपको ये पता नहीं रहता कि ये जीरो होने वाली है, तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो वाई एक्स से कहा है तो वाई एक्स, तो वाई एक्स पे एक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा। एक पॉइंट आपको पता है कि जीरो होना है। अब दूसरे पॉइंट के देखते हैं, मान लीजिए एक उधर दिया है वाई का मान हमें दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, इसको हम टू रख देते हैं। लेकिन एक चीज जो हमें नहीं पता है वो क्या है, वो हमें नहीं पता है वो वाई, जिसको वाई हम रख लेते हैं, ऐसे करेंगे। अब दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा देखेंगे, प्लस 4x 4 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे 4 × 2 = 4 वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे थोड़ी सी, या 25 है और 16 × 4 = 19 होता है, आप प्लस वाई स्क्वायर आप प्लस 4y, तो इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ हाँ 16 × 4 = 20, ठीक है, सॉरी ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ 25 − 20 करेंगे और वाई स्क्वायर है आप प्लस 4y, तो कितना आ जाएगा 5, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y आप हाँ बराबर जी, ये इतना तो है। अब इसको भेजेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4y और −5 = 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो उससे अच्छा है कि आप गुणनखंड करके टाइम जो वेस्ट करिएगा उससे अच्छा कि आप उस तरह से ट्राई कर लीजिए, है कि नहीं। इसलिए मैंने वही सटीक तरीका बताया कि ऑप्शन से आप ट्राई करिए, अब इसका फिर गुणनखंड करिएगा तब जाके आपके आंसर मिलेगा, ठीक है। तो गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, आप इस ऑप्शन से ट्राई करिएगा, बन जाएगा। चलिएगा यहाँ देखेंगे, अब आप आ जाइए 60 नंबर सवाल के लिए, तैयार रहिए। 60 नंबर सवाल को भी बड़ा मजेदार बात है, ये कह का रहा है, सुनिएगा, यहां देखेंगे, एगो है ए है, एगो है कथी है बी है, सवाल जितना टेढ़ा उतना सोच भी है, देखेंगे 6 और 5 है और यहाँ पे 4 और y है और जो मूल मध्य बिंदु है आर है, ठीक है, ये दे रखा है 5 और 6 दे रखा है, तो उतना बतियाने की जरूरत है, जाना के नहीं पता है ना, ओकरे बारे में पता करेंगे तो ये नहीं पता है, ठीक है। तो वाई बराबर क्या होता है, y1 + y2 अब बटा कितना 2, तो वाई का मानवा कितना है 6, डायरेक्ट वही काम वो करेंगे हम 6 रख देंगे, अब y1 का मानवा कितना है 5, अब y2 का मानवा नहीं पता तो y रख दीजिए ना, और दो 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, अब माइनस कितना बराबर कितना होगा रही 5 + y, तो मैंने y बराबर कितना होगा रही 7, 12 में से 5 आए तो कितना आ जाएगा 7, आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है। अब सुनिए कह का रहा है, 61 नंबर सवाल बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये कह रहा है 7x² - 12x आप प्लस कितना 8, तो मूलों का योगफल और गुणनफल का अंतर करें, तो पहले मूलों का योग निकालिए ना, बी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो −b/a, तो −12 तो 12 हो, +12 हो जाएगा और यहाँ पे 7 है, चलिए α × β हो जाएगा ए c/a 8 आप बटा कितना 7, अब कहा था दूरी का अनुपात कर ला, ठीक, बट α + β अब α × β ऐसा, α + β α × β कोई दिक्कत, तो चलो बाबू ये 12/7 और ये 8/7, तो 7 से 7 खत्म, आज 4 × 2 = 6 × 12 × 4 = 8, ठीक है, तो 6 अब अनुपात अभी और कटते हैं, आप 3 × 2 = 6 और यहाँ पे तो ये तो पहले ही हम काट देते हैं, ठीक है, तो 3:2 आंसर यही होगा, देख लीजिए 3:2 है, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ये होगा। देखेंगे 61 नंबर सवाल,
एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 18, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 7, यहाँ पे सॉरी बी बाई माइनस बी बाई ए, तो माइनस 12 अब बटा कितना 7, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो यहाँ पे 18 अब बटा 7, ठीक है। अभी दोनों का अनुपात कह रहा है तो करो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 12 बटा 7, 18 बटा 7, 7 से 7 खत्म, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 दूना 12 और 6 3 18 दो अनुपात, ठीक बा। देखो तनी हम क्या देखेंगे, मूल समान है तो c का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मूल समान है तो d बराबर मान लीजिए ना, d बराबर दे रखा है 0, मूल समान होने का मतलब d बराबर 0 होता है, तो d बराबर एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो c का मान पूछ रहा है, सी का बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, इसको पूरा यहाँ जो मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है ये पूरा उधर जाएगा पहले, तो 4ac बराबर बी स्क्वायर, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा 4a, ये आपका हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ए y बराबर क्या है, y बराबर 10 है, y बराबर 10 है तो किसके समानांतर हो जाएगा, y बराबर 10 है तो किसके समानांतर होगा, y के समानांतर होगा, ऑप्शन नंबर क्या है देखिएगा। चलिए भाई 64 नंबर सवाल, यहाँ 64 कह रहा है निम्न में से कौन सा तृतीय चतुर्थांश में है, तो देखिए पहले चतुर्थांश को समझिए, अगर ये माइनस प्लस प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, अगर माइनस और प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा, अगर माइनस और माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा, अगर प्लस एंड माइनस है तो चतुर्थ चतुर्थांश कहलाएगा, तो इस तरह से देखिए माइनस माइनस किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, किस में है, बी में है, ये है माइनस 4 और माइनस 6, यानी कि दोनों कंडीशन में क्या है माइनस है, तो ये कौन सा चतुर्थांश कहलाएगा, तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा। 65 नंबर सवाल देखेंगे, चलिए कह रहा है यदि समानांतर प्रथम पद ये है डी इतना है तो प्रथम पद इन पदों का योग क्या होगा, तो ये इन पदों का योग के लिए एस एन बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, एन बटा टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला ही दिया होगा आंसर, ठीक है, सही बात है, यही है सर सी। अब 66 नंबर सवाल कह रहा है, सुनेंगे क्या कह रहा है, 2, 7, 12 और का दसवां पद, कौन पद, दसवां पद, ठीक है, तो ए बराबर इतना 2, डी बराबर 7 माइनस 7 बनकर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, डी 7 में से 2 करेंगे तो 7 बनकर हमारा निकल जाएगा, एन बराबर हो गया दसवां पद, ठीक है, तो एन एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो एन बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है 2, एन का मान हमारा कितना है 10 और यहाँ पे 1 और डी का मान कितना है पहले से 5, तो क्या करेंगे 2 प्लस 9 गुने 5, तो 2 और 9 पच्चे 45 और 2 47 आंसर ही हो जाएगा, ठीक है, तो दसवां पद हमारा क्या हो जाएगा 47, कोई दिक्कत है आपको, दिक्कत है, ठीक है भाई, तो अच्छी बात है। चलिए देखिएगा, और यहाँ 67 नंबर सवाल है और बड़ी सुंदर है, कह रहा है कि 14 है, 9 है, 4 है, माइनस कितना 1 है
और माइनस कितना 6 है, तो कौन सा पदवा, एनवा पदवा, एनवा पद निकालना है। कोई बात नहीं है बाबू, ए बराबर आपको मिला कितना 14, डी बराबर कितना मिला 14, तो 9 माइनस 14 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -5। ठीक है, एन हमारा नहीं पता है तो एन बराबर निकालते क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन आइए की जगह पर 14 आप प्लस एन तो नहीं के पता तो छोड़ दो, आ डी बा -5 तो रखा ही हुआ। ठीक बा, तो 14 आप माइनस एन से 5 कर तो 5 एन हो जाए, आप प्लस 5 माइनस माइनस प्लस तो हिमा देखिए का हो गया 9 14 वो 19 वो हो जा रही है, अब -5 एन शायद ये नवा पौधा हुआ। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। 68 नंबर सवाल, कितना नंबर सवाल, 68 नंबर सवाल, बड़ा बड़ी सुंदर है। 2 है 7 है 12 है का प्रथम पद 10 है, प्रथम 10 पदों का योग निकालना है, 10 पदों का योग। ठीक है भाई, ए बराबर 2 हो गया, डी बराबर हो गया 7 माइनस 2 तो बराबर कितना हो जाएगा, सर्व अंतर 5 आ जाएगा। एन बराबर हमें 10 दिया है तो कोई बात नहीं, एन हमें निकल जाएगा, एन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो भाई ए का मान हमें लिख देंगे 2 प्लस और एन का मान यहाँ पे 10 माइनस 1 और डी का मान हो गया 5, तो 2 प्लस 9 गुने 5 9 5 45 कितना आ गया 47। ठीक है, हो जाएगा, चलो भाई ये भी सही, फिर हम वही बना दिए नहीं सॉरी 47 योगफल पूछ रहा है क्या, क्या कर दिए हम, अब कोई बात नहीं, जब योगफल पूछ ही दिया तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर यू, मैंने ध्यान से देखा नहीं सवाल को, अब ये निकाल लिए तो इसका यूज कर लेते हैं, मेहनत की तो छोड़ेंगे थोड़े, नहीं छोड़ेंगे ना। तो एस एन बराबर एक फार्मूला होता है, एन बाई 2 और ए प्लस ए होता है, अब निकाले हैं तो यूज तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 47, 5 × 2 = 10 और ये जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, और गुना करें 9 × 5 = 45 और 4 × 5 = 20 और 4 = 24 245 हो गए। ठीक है, छोड़ थोड़े देंगे,